मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज हिंदी। अर्जुन रामपाल की पत्नी मेहर जेसिया उन चुनिंदा लड़कियों में शामिल हैं जिन्हें भारत में सुपर मॉडल का खिताब मिला है। इसके बावजूद लोग उन्हें एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर पर कम और अर्जुन रामपाल की पत्नी के रूप में ज्यादा जानते हैं। मेहर ने कभी बॉलीवुड में कदम नहीं रखा, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने खूब नाम कमाया है। मेहर मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद ही मेहर ने मॉडलिंग करना शुरू किया। मेहर ने 18 की उम्र से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। मेहर कुछ ही सालों में मॉडलिंग इंडस्ट्री की सेंसेशन बन गई। वो लगभग सभी बड़े ब्रांड्स जैसे लैक्मे, नीविया, बॉम्बे डाइंग, पामोलिव और विमल का चेहरा थी। 24 साल की उम्र में मेहर के पास ऐसा मौका आया जो उनकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन मेहर ने वो मौका छोड़ दिया। मेहर अपने करियर के पीक पर थी जब उन्हें इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड लैंकम का चेहरा बनने का मौका मिला। उस वक्त इजाबेला रोजेलिनी इसका चेहरा थी, मगर मेहर ने ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि वो अपने घर को बहुत मिस कर रही थी। अगर मेहर ये ऑफर अपना लेती तो वो आज इंटरनेशनल मॉडलिंग का जाना माना नाम होती। इसके कुछ सालों बाद ही मेहर ने मॉडलिंग की दुनिया छोड़ अपनी गृहस्थी बसा ली। मेहर ने मॉडलिंग में तब पहचान बना रहे अर्जुन रामपाल से शादी की। इतना ही नहीं, अर्जुन से शादी करने के बाद मेहर के समुदाय ने उन्हें बेदखल कर दिया था। मेहर पारसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन अर्जुन हिंदू थे। मेहर और अर्जुन की मुलाकात मॉडलिंग के वक्त ही हुई थी। मेहर को देखते ही अर्जुन उन पर मर मिटे थे। दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं और उनकी दो बेटियां हैं। खैर, मेहर आज मॉडलिंग से दूर भले हैं, लेकिन उनके अंदर मॉडलिंग आज भी जिंदा है। मेहर ने शादी के बाद मॉडलिंग एजेंसी खोली, लेकिन उसमें उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद मेहर ने अपने पति के साथ प्रोडक्शन कंपनी भी खोली, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म ICU बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। आज मेहर कई फैशन शोज कोरियोग्राफ करती हैं और पति का बिजनेस में भी हेल्प करती हैं। उनके परिवार में परेशानियां तब बढ़ने लगी जब अर्जुन और सुजैन खान के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। ऋतिक से डिवोर्स के बाद सुजैन अर्जुन के बेहद करीब आ गई थी। इसके कारण कभी अच्छी दोस्त रही मेहर और सुजैन भी सबके सामने एक पार्टी में लड़ बैठी। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वन इंडिया न्यूज हिंदी।